हाँ जी वीवर, तो आज का जो टॉपिक है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं आपको बहुत चीज़ें बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीवर, मैं हूं मोहम्मद असगर त्रेली। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाबी भाई पी के। तो ये गाय हमारी जो है ना, इसने बच्चा दिया है अभी तकरीबन थोड़ा टाइम हो गया। तो जो मेन चीज़ है ना, जो आज मैं आपको बताऊँगा, ये उसकी जो जेर वगैरह होती है ये वाली। तो ये गायें, पहली तो बेहतरीन मालूमात ये है कि गायें जो है ना, जेर तकरीबन जो है ना, 4 घंटे बाद ये जेर निकाल देती है। इसको जेर कहते ना, ये देख अब निकाल रही है, 4 घंटे बाद ये निकाल देती है। कुछ लोग जो है ना, कहते हैं कि जल्दी जेर निकाले, तो उसके लिए एक बेहतरीन जो नुस्खा है मैं आपको बताता हूँ। वो नुस्खा ये है कि आपने ना, अच्छा आपने ना थोड़े से दाने ले लेने हैं, तकरीबन 1.5 किलो दाने हों, 1.5-2 किलो, तो आधा किलो जो सरसों का तेल है, सरसों का, वो आपने ले लेना। वो लेने के बाद जो है ना, आपने इसको डाल देना, यानी कि जब ये बच्ची जो है ना, गाय बच्चा बच्ची दे दे, तो फिर वो डाल देने इसके आगे आके रख देने। जब इसके आगे रख देने, ये खा लेगी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना, जेर इसकी निकाल देगी। अगर ये छोटा सा बिलाग मेरा पसंद आ जाए तो अपना फीडबैक ज़रूर देना। ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। ये हमारे जो आबाव अजदाद हैं वहाँ से चला रहे हैं, हमारे वाले साहब भी, उन्होंने भी हमें यही बताया था। अब हम भी यही करते हैं, जब भी हमारा जानवर कोई बच्ची बच्चा देता है, यानी कि गाय भैंस जो भी हो, तो बच्ची बछड़ा दे, तो फिर इसके बाद हम जो है ना, तकरीबन 10-12 मिनट बाद थोड़े से दाने ले आते हैं। दाने ले आने के बाद इसके आगे डाल देते हैं, ऊपर थोड़ा सरसों का तेल डाल के ना, इसको उसको भगो देते हैं, इस तरह करते हैं ना, भगो देते हैं। भगोने के बाद इसके आगे रख देते हैं, तो इंशाल्लाह 1.5-2 घंटे में ये जेर देखो ना, इस तरह करते वो तो साड़ लेना तेल, तेल सट्टन तो बाद ना इन्हों लेना चंगी तरह भगो, भगो तो बाद उन्होंने गां के गुजाते रख देने, तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी जेर सट छुड़े से। तो यह वेखो ना, ये अगो असें रख दिता दाने भगो, तो जोड़ा ना दांत बेच तेल लगाए, तो हूँ चेक करें जेर चुप टाइम बाद सटें। हाँ जी वीवर, तो यह चेक करो हूँ, जेर जी है ना, ये हम कटेंदी पई है, बड़ी कटी बैठी है, तो वो नाल बच्ची जमी है, चेक करो, ये जेर निकाली बैठी है। ना इधर दाने खवाएं तो इस जेर भी काट देती है, कोई कटी बैठी है, कोई जैसे काट देती है, बच्चे जमी खाली देख लो, अगू गत्ते नहीं ना दाने वगैरह, तो अल्लाह का शुक्र है इस जेर सट भी दी है। तो अगर ये लाग आ जाए पसंद, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया, तो आखिर तो पहला आइकॉन का बटन दबा दिया, ये ही तुम दिए मैंने इजाजत, इंशाल्लाह मिलने अगले भी लाग देना। बहुत शुक्रिया, सलामत रहो, वस्ते रहो, आबाद रहो।